सो आई जस्ट रीच होम, मतलब अभी जस्ट घर पहुंचे क्लास से. बहुत सारा काम था बाहर में, तो वो सब काम पूरा कंप्लीट करके अभी घर में पहुंच गए. तो आज का वीडियो का बारे में जानने के लिए ये वीडियो में बने रहना. सो मेरा दोगी भी पूरा एक्साइटेड हो रहा है अभी, तो बहुत देर में पहुंचे ना, यूजुअल टाइम से बहुत ज़्यादा लेट में पहुंचे. इसलिए मेरा दोगी जो थोड़ा सा दुखी है, गुस्सा है. तो अभी उसको हम भी फ्रेश अप हो जाएगा, इसके बाद ये वीडियो के बारे में अच्छा से बात करेगा आज का वीडियो के बारे में. अभी मेरा कपड़ा सपड़ा चेंज करेगा, पूरा फ्रेश अप होके आप लोग को फिर मिलते हैं. सिट. ये चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो सिट. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोटे गर्ल. एंड आज का वीडियो में पता चल रहा है ये हैप्पी बर्थडे. तो आज है मेरा डॉगी का बर्थडे, एके का बर्थडे. आई मीन इसका नाम एके है. एक्चुअली क्या था कि ये जो हम लोग इसका जन्म जो असल में जून को बहुत सॉरी इसका जन्म जो जुलाई को बहुत चुका था, पर हम लोग का घर में लेके आए थे इसको अगस्त में. इसलिए हम जो इसका बर्थडे जो अगस्त में सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो पर्टिकुलर हमको भी पता नहीं इसका पर्टिकुलर डेट कब लेके आए थे, क्योंकि ये मेरा भैयाओं का पास था. हम इसको 5 मंथ्स जब हो गए ये जो, तब हम इसको मेरा पास अपना घर में यहाँ गुवाहाटी में लेके आए. पहले मैं ये ईटानगर में बैठता था, और अभी ये 1 ईयर हो गया इस बार. तो हम चाहते हैं कि इसका बर्थडे जो बहुत अच्छा से सेलिब्रेट हो, क्योंकि हम लोग का होल फैमिली जो डॉग पर्सन है. पर कभी भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम जो मेरा कुत्ता लोग के साथ कनेक्ट हो पाए. तो मतलब कभी कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हम हर बचपन से हॉस्टल में बैठा था. तो कभी भी एक पर्टिकुलर कुत्ता का साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया था. तो इस बार हम सोचे कि इसका साथ हमने ऑलमोस्ट हम इसको नवंबर में लेके आए थे. नवंबर अभी कितना हो गया, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मेरा साथ बैठे ये जो ना 8 मंथ्स नहीं सॉरी 8 मंथ्स नहीं होगा 7 मंथ्स मेरा साथ बैठे 7 मंथ्स मेरा साथ रहते हैं ये जो. तो हम सोचे कि इसका बर्थडे हम जो यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा अलके 1 ईयर का बर्थडे जो. तो ये जो अभी इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे मेमोरी हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं, और ये मेरे चैनल में रहने दो बन के. अभी हम इसको कैप पहनाने के लिए कर रहे, पर ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे. तो आज हम लोग इसका बर्थडे केक काटेगा. एंड हमने इसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे, तो वो सब दिखाएगा आप लोग को. और हम चाहेगा कि मेरा जो इसका साथ जो मेमोरीज हम जो स्पेंड किए इसका साथ जो ये 7 मंथ्स, वो सब दिखाएगा आपको ये वीडियो में. तो बने रहना ये वीडियो. अभी सेलिब्रेट करेगा सोचा था. देखो ये टॉयलेट कर दिए, वैसे तो नहीं करते, कभी कभी जब एक्साइटेड जब होते ना तो ये रूम का अंडर कर देते हैं, वैसे तो बाथरूम में जाके करने वाले. एक्चुअली हमको थंबनेल के लिए पिक्चर चाहिए ना, ये जो ये ना हिलते केचू का जैसा. एक देखो दीदी को, देखो दीदी को, देखो ओ मां. हो गया, इतना आया थंबनेल का. अभी केक काटेगा, चल एक केक. सो केक जो ऐसा है, वेनिला केक ऑर्डर किया, और मेरा दोगी का नाम है ए के. सो इसका नाम लिखा है ए के, और तो केक में लिखा है ए के. हमको ऐसा लग रहा है कि ये बर्थडे जो मेरा हो रहा है, क्योंकि मेरा दोगी इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है सेलिब्रेट करने में. हम उसका नाम में हम ये जो मेमोरीज में रखना चाहते हैं हम जो, क्योंकि ये मेरा पहला कुत्ता है जिसका साथ हमने बहुत छोटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किए. क्योंकि जितना भी मेरा घर में कुत्ता था, वो लोग जब हम जो सिर्फ वन मंथ ही हम लोगों के साथ बैठ सकते थे, क्योंकि इसका बाद 1 मंथ की छुट्टी होता था हम लोग का स्कूल या फिर कॉलेज से. तो वही 1 मंथ ही हम स्पेंड किए, मैं जितना भी अलग कुत्ता लोगों के साथ. और वो लोग मर गया या फिर ऐसा करके कोई चोरी कर दिया ऐसा करके हुआ है ना, तो कनेक्शन मेरा ये वाला डॉगी घर में आने का पहले और डॉगी था उस लोग का साथ अच्छा से कनेक्शन था मेरा. पर एक तो जो बुढ़ा हो गया, इसका रो मर गया, फिर एक तो जो होने से कोई चोरी कर दिया ऐसा करके हुए. तो अभी ये वाला डॉगी का
हम चाहते हैं इसका साथ अच्छा सा मेमोरीज बनाएगा इसके, सो या इसका साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं। और ये मेरा वेट लॉस जर्नी में भी बहुत बहुत मदद किए, बिकॉज इसका वजह से हमको सुबह सुबह उठना पड़ता था, इसका हम हर समय वॉकिंग के लिए ले जाना पड़ता था, सुबह शाम इसको जो वॉकिंग करने के लिए ले जाता था, ऐसा करके हम टाइम स्पेंड किया। या अभी रुको रुको एक मिनट, तो वही ये भी मेरा वन ऑफ द क्या लगा वेट लॉस जर्नी में, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट लूज होने के लिए। इसका वजह से मेरा हम और भी जल्दी जल्दी उठना पड़ता था, क्लासेस मेरा जैसे कि सेवन से हमको सेवन में निकलना पड़ता था घर से, तो हमको इसको वॉकिंग करने के लिए जाने के लिए हमको थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था, चार बजे से उठना पड़ता था। तो अभी ऐसा नॉर्मली वॉक करते पर इतना सुबह सुबह लेके नहीं आते अभी, तो जब हमको समय मिलता तब लेके जाते, पर जब ये छोटा था ना तो हम चाहता था कि जगालों के बारे में थोड़ा जानो और थोड़ा सा एक्टिव होने दौड़ते, पर ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, इतना चंचल है, इतना चंचल है। इसका वजह से हम मेरा ये रूम को ऑलमोस्ट खाली कर देता कि वो यहाँ में दौड़ भाग कर सकने दौड़ के, सिर्फ बिस्तर और चेयर टेबल ही और पूरा स्पेस खाली ताकि हम दोनों भी भागा भागी कर सकने के लिए, यहाँ में हम दोनों खेलते हैं ये रूम में। तो वही अभी तो ये वन ईयर्स वाला कैंडल मैंने जला दिया, इसका पता नहीं है चुपचाप से बैठ पाएगा कि नहीं केक कटते समय में, आई डोंट थिंक ये चुपचाप से बैठ पाएगा, पर भी ट्राई करते हैं। यार बेटा ये तो है केक, एंगे बैठो ना, अच्छा से भी वो नहीं कर रही, बहुत एक्साइटेड हो रही है। लास्ट केक मेरा दोस्तों के साथ हम लोग क्रिसमस में काटा था, तब उस समय ये बहुत छोटा था, ऐसा कुछ दिखता है केक यहाँ में। एक चल ना एक अच्छा फोटो खींचो यार, सिट 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 सिट, गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear AK, happy birthday to you. Jadi kok mau dong? May God bless you, may God bless you, may God bless you dear AK. Happy birthday to you. ऐसा क्यों लग रहा है मेरा बर्थडे है के? उठो 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 उठो, अभी यहाँ में देखो फू करेगा, देखो फू करेगा, फू करेगा एक, देखो इसको यहाँ में देखो, सिट सिट सिट, गुड। इतना खुजल खुजली करते हो यहाँ में, अभी फू करेगा, सिट 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 सिट, उठो उठो आप, ऐसा वाला सिट नहीं बोल रहे होगा, ठीक है फू करेगा, अभी काटेगा, चल चल, वो क्रम्स गिर गया, रुको दे रहे दीदी, आए यहाँ में तो बस क्रीम ही है। तो थोड़ा सा हम बर्थडे का नाम ने खिलाएगा मेरा, केक पसंद है, क्रिसमस में भी बहुत खाया था इसने केक। तो आज का बर्थडे इसका यहीं पर समाप्त होता है, और आज हमने स्टील दिन में ना कुछ स्पेशल खाना बनाएगा, मीट मीट का साथ देगा खाना, सो या इस लुक अनपैक करेगा अभी, ठीक है हमने उसका गिफ्ट खरीद दिया था, ये फाइनली इसको हमने खरीद दिया बाउल, डॉग बाउल खरीद दिया, हमने अभी ये अपना वो खा सकते हैं सूखा चीज, जैसे हमको एक प्लेट दिया हुआ है जहाँ वो खाना खाते अपना चावल लोग खाते, अच्छा सा खाते चावल सब्जी लोग, तो यहाँ में हम पेडिग्री देने के लिए यहाँ में रूम के अंदर कभी कभी ये जो पेडिग्री भी खाते हैं ना, तो खाना छोटा समय में पेडिग्री को मुड़ के नहीं देखता था, मतलब खाता था पर इतना मुड़ के नहीं देखता था, पर अभी वापस हम जो उसको थोड़ा दिन के देना बंद कर दिए तो अभी पेडिग्री खा वो एक मतलब अच्छा से खाते हैं, पहले में तो ऐसा करता था मुँह टेढ़ा करता, और ये नया बैल खरीदते हम उसके लिए,
क्योंकि इसका जो पुराना बेल्ट है पूरा काट काट के पूरा ये ने खराब कर दिया। और ये नया टाइप का पेडिग्री बिस्किट वाला बिस्किट है, चिकन फ्लेवर का ये ऐसा लगता है। हमने ये खरीदा था और उसका कुछ ट्रीट्स लोग लिया था तो उसको वो खा रहे हैं। तो ये है इसका गिफ्ट इस बार का बर्थडे का गिफ्ट मेरा तरफ से। लंच के लिए आज हमने बनाया ये पोर्क का झोल विदाउट एनी सॉल्ट, और ये पाव पाव का एक हड्डी मैंने दिया ना उसमें हम चावल डालेगा, इसके बाद मिक्स करके इसको देगा। पोर्क हम लोग इतना नहीं खाते, हम दोनों चिकन ज़्यादा खाते हैं, चिकन और मछली नहीं। तो अभी ये हो गया इसका खाना, और इसमें हम थोड़ा सब्जी डाल लेगा। रुकिए हम मेरा सब्जी में थोड़ा सा कैबेज जो बॉईल किया था तो उसको थोड़ा सा डाल दिया। तो इसमें तो थोड़ा नमक है पर कुछ नहीं, इतना सा नमक तो सिर्फ झूल नहीं दिया, बस वो दिए उस सब्जी को ही निकल के दिया मेरा वहाँ से। इसको ये कैबेज पसंद होता है। तो इसका प्लेट में डाल देगा। तो ये है इसका प्लेट। आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है झूल का वजह से खाना जो आया, वैसे तो इतना नहीं होता है, आज थोड़ा ज़्यादा दे दिए क्या गलती से, हम बाउल में मिक्स किए इसलिए पता ही नहीं चले, नहीं तो अलग समय प्लेट में मिक्स करते हैं। ये है इसका चावल जो थोड़ा गर्म है, सब्जी लोग इतना भी गर्म नहीं है क्योंकि सब्जी लोग थोड़ा पहले बनाया था, चावल अभी जस्ट बन करके अभी इसको दिए क्योंकि ये पूरा पहले से रेस्टलेस हो रहा था भूख लग के, आम तो थोड़ा देर हो गया आज इसलिए खाना बनाने में भी थोड़ा समय लग। अभी अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि खाना साना बना के इतना गर्मी हो गया था ना, तो ये तो कब से खाना के लिए रुक रहा था, तो हम तो गर्मी का वजह से नहा धो के अभी इसको खाना दिए थे। ये पूरा गुस्सा हो गया था अभी इतना देर कर रहे बोल के, पर हम भी क्या कर सकते हैं गर्मी से बेहाल था इसलिए हम खाना बनाने के बाद किचन घुसने से इतना गर्मी हो जाता। और इसका ना एक खराब आदत है ये कुत्ता का, इससे गिरा गिरा के खाते ना, इससे बाहर निकल निकल के चाटने से ऐसा निकल लेते हैं, मैं वही सफा करेगा बस दिल। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड, लव यू गाइज।